हेलो गाइस, दिस इज़ देवेंद्र कोठारी। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि PSL में मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा, टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी। हर मैचेस का हम प्रीव्यू यहाँ पर करेंगे ताकि आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया हो जाए। कुछ चेंजेस होगी तो हम टॉस के बाद देख लेंगे, एक तरह का आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। उस वीडियोस को बनाने का सबसे जो मेन मकसद था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी नॉलेज को पहुँचाया जाए। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के पहले मैच की बात करें तो मैंने कुछ सेक्शंस बनाए हैं, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग ऑप्शन, और उसी के हिसाब से ही पॉइंट्स को डिवाइड किया है। उन पॉइंट्स को के हिसाब से हमने टीम्स की रेटिंग की है और वहां से हमने मैच विनर निकालने की कोशिश की है। तो टॉपिक बाय टॉपिक, स्लाइड बाय स्लाइड हम आगे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो आप लोगों को प्लेइंग 11 स्क्रीन पर दिख रही होगी। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहां पर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये 11 मेरे हिसाब से बनती है PSL के फर्स्ट मैच में। अगर आप 11 की बात करें तो कॉलिन मुनरो, उस्मान ख्वाजा, दैन रोहिल नज़ीर, हुसैन तलत, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, अली खान और हसन अली, ये 11 मेरे हिसाब से बन रही है। ऑप्शंस में फवाद अहमद, मोहम्मद मूसा, आफिक जावेद और जफर गोहर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। अगर हम लाहौर कैलेंडर की बात करें तो आप लोगों को प्लेइंग 11 दिख रही होगी। सोहेल अख्तर, फ़खर जमान, फर्ग्यूसन, देन हफीज़ डंग, फॉकनर, राशिद खान, दिलबर हुसैन, शाहीन शाफरीदी, हारिस रॉफ एंड अहमद डानियाल। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो एक फॉरेन ऑप्शन में हमारे पास फॉकनर हैं, सिकुबे प्रसन्ना हैं, टिम डेविड हैं, और एक अगर हम अनकैप प्लेयर जैसे अहमद डानियाल है या आगा सलमान है उसको किसी को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर की बात करें तो आप लोगों को टॉप ऑर्डर में उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मुनरो और रोहिल नज़ीर देखते हुए खेलते हुए नज़र आते हैं। लास्ट ईयर तक रोहिल नज़ीर 4 नंबर या 3 नंबर खेल रहे थे। चूँकि शादाब खान मोस्टली प्रॉबली इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 3 खेल रहे थे, बट रोहिल नज़ीर जिस तरह के बैट्समैन हैं शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हें नंबर 3 खिलाए। तो अगर रोहिल नज़ीर नंबर 3 खेलते हैं तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस अभी नए नए खिलाड़ी हैं। कॉलिन मुनरो अच्छे प्लेयर हैं, उस्मान ख्वाजा अच्छे प्लेयर हैं सिटी थंडर के लिए, T20 क्रिकेट में बिग बैश ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा लीग्स में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं मिलेंगे। कॉलिन मुनरो आप लोगों को थ्रू आउट द अच्छी अच्छी लीग्स आप लोगों को खेलते हुए देखने मिलेंगे। तो जो हमने टॉप ऑर्डर की रेटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो की है 10 में से 8। अगर हम मिडिल ऑर्डर सेक्शंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो मेरा पहला PSL का वीडियो तो उसके अंदर बताया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की डिसएडवांटेजेस, उसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडिल ऑर्डर, चाहे वो आसिफ अली हो या इफ्तिकार अहमद हो या हुसैन तलत हो। ये अनरिलायबल मिडिल ऑर्डर है जिसके ऊपर ट्रस्ट हम उतना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मिडिल ऑर्डर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसके जो रेटिंग जो है वो 10 में से 6 की है। अगर हम ऑलराउंडर सेक्शंस की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के जो भी T20 प्लेयर्स में अवेलेबल हैं इस साल, चाहे वो शादाब खान हो या फ़हीम अशरफ हो, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं दोनों ही T20 क्रिकेट में, तो उसकी रेटिंग मैंने 10 में से 8 की है। अगर हम बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो बॉलिंग ऑप्शंस में आपके पास USA के अली खान हैं, आपके पास हसन अली है, खुद शादाब खान हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद इरफान जूनियर है जिन्होंने स्टार्टिंग के 12 से 13 मैचेस में PSL में जब पाकिस्तान में PSL हो रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो आपके पास बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी है। हमने रेटिंग जो बॉलिंग की है वो 10 में से 7 की है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो डेथ बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर हम स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ शादाब खान अवेलेबल हैं और देन इफ्तिकार अहमद भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिनर्स की थोड़ी सी यहाँ पर वीकनेस दिखाई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें लाहौर कैलेंडर्स की टॉप ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि सोहेल अख्तर अवेलेबल हैं, फ़खर जमान अवेलेबल हैं और 3 नंबर पर मेक श्योर कि लाहौर कैलम फर्ग्यूसन को खिलाए जो सिडनी थंडर के लिए भी नंबर 3 खेलते हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस आप लोगों को दिख रहा होगा
हल्का फुल्का थोड़ा सा डाउट सोहेल अख्तर की परफॉर्मेंस पे होता है, कभी इन एंड आउट रहते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं कभी बेकार। फ़खर जमान अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट फॉर्म में है, रिसेंट जो भी सीरीज है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कैलम फर्ग्यूसन भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो जो मैंने रेटिंग की है लाहौर कैलेंडर टॉप ऑर्डर की, वो 10 में से 8 की है, सिमिलर लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो भी काफ़ी अच्छा मिडिल ऑर्डर लाहौर कैलेंडर का दिखाई पड़ता है, आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ हों, बैन डंक हों, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा है, 10 में से 8 हमने रेटिंग की है। अगर हम ऑलराउंडर सेक्शंस की बात करें तो इस साल लाहौर कैलेंडर को मैंने 10 में से 7 पॉइंट दिए हैं, और लाहौर कैलेंडर के लिए जो वीकनेस है ऑन पेपर वो है इनका फिनिशिंग सेक्शन। आप नंबर 5 पर अगर बैन डंक खेल रहे हैं तो नंबर 6, नंबर 7 पर फॉकनर और राशिद खान को मैंने ऐड किया है, और ये प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। किसी भी T20 क्रिकेट में हम देखते हैं तो नंबर 6 तक मोस्ट प्रोबली हमें बैटिंग सेक्शन पूरा देखने को मिलता है, बट जो कि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है इस साल। फॉकनर की जगह अगर डेविड वीज इस टीम में होते तो ये टीम मेक श्योर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टीम पेपर पर या ग्राउंड पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो फॉकनर के लिए आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शन है, यहाँ पर हम सिकोगे प्रसन्ना को डाल सकते हैं, या फिर लाहौर कैलेंडर की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पर फॉकनर को हटा के टिम डेविड को भी डाल सकते हैं बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये ज़रूर देखना होगा लाहौर कैलेंडर के फर्स्ट मैच में कि ये क्या किस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो चेंज में जो लग रहा है वो लग रहा है कि या तो फॉकनर खेलेंगे या टिम डेविड खेल सकते हैं, ताकि बैटिंग को नंबर 6 तक स्ट्रॉन्ग किया जाए, और नंबर 7 पर राशिद खान आते हैं जो कि भी प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, तो ठीक है वो वहाँ पर आप लोगों इसको ये लाहौर कैलेंडर इस चीज़ को यहाँ पर कवर कर पाएगा। अगर हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो मैंने 10 में से 10 नंबर दिए हैं लाहौर कैलेंडर को, और वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स है PSL में इस साल। सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर दिलबर हुसैन अवेलेबल नहीं थे तो इस साल दिलबर हुसैन भी अवेलेबल हैं। तो आपकी अगर हम बॉलिंग सेक्शन की देखें तो राशिद खान है, दिलबर हुसैन है, शाहीन अफरीदी हैं, आरिस रौफ है, अहमद डानियाल हैं, जिन्होंने भी अच्छा 12-13 मैचेस में अच्छा PSL में परफॉर्म किया था। तो मेरे हिसाब से 10/10 है इनकी बॉलिंग यूनिट को, मिडिल ऑर्डर को 10/8, टॉप ऑर्डर को 10/8। सिर्फ एक वीकनेस लग रही है, वो है फिनिशिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन। अगर फॉकनर अच्छा कर जाते हैं बैटिंग में या बॉलिंग में तो ये टीम की नैया पार हो सकती है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अहमद डालियान है, इसकी जगह एक आगा सलमान है जो प्रॉपर बैट्समैन है, उनको यहाँ पर एज ए फ्लोटर नंबर 6-7 पर ये टीम में ऐड किया जा सकता है। और मोस्ट प्रॉबली मुझे जो लग रहा है या तो फॉकनर खेलेंगे या फिर टिम डेविड खेलेंगे, जो हॉबर्ट के लिए खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कैलेंडर की, जो मैंने टीम की रेटिंग की है, तो लाहौर कैलेंडर थोड़ा सा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और मोस्ट प्रॉबली मेरी पहले मैच की जो विनिंग टीम होगी वो लाहौर कैलेंडर होगी। हल्की सी वीकनेस है ऑलराउंडर सेक्शंस में, मैच टूर्नामेंट का पहला मैच है तो आप थोड़ा सा हल्का खेल सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉबली आई विल गो विद लाहौर कैलेंडर्स। कुछ चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अपडेट करूँगा। थोड़ा पहला मैच है कम के लिए, क्योंकि ब्लास्ट भी T20 ब्लास्ट भी साथ साथ स्टार्ट हो रहा है, एक दिन में 4-4 मैच भी आप लोगों को मिलेंगे, डबल एडर हैं PSL में भी, और एक एक दिन में 2-2 मैचेस T20 ब्लास्ट में भी शायद मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाए। काफ़ी सारे मैचेस हैं, ज़्यादा भाग के नहीं खेलना है। जिन मैचेस में PSL में खेलना होगा पूरी लिमिट से भी, तो वह मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये थी मेरी इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कैलेंडर्स की का रिव्यू और टीम पिक। मेक श्योर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हो, कैसे ज्वाइन करना है मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ उसके साथ, आप देख लीजिएगा। 3 काम करने हैं आप लोगों को, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज दे, और टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहिए ताकि कोई भी अपडेट होती है टॉस के बाद, क्योंकि प्लेइंग 11 में काफ़ी चेंज हो जाते हैं, टॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अबू धाबी जैसी कंडीशंस में, कौन सी टीम फर्स्ट बैट कर रही है, कौन सी टीम सेकेंड बैट कर रही है, विकेट किस तरह का है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और टॉस के बाद मैं आप लोगों को यूट्यूब पर अपडेट उस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल आपको मस्त से ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो वीडियो में अटैच कर दूंगा। 3 काम कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी फेक टेलीग्राम चैनल में आप कनेक्टेड ना रहिएगा, मेक श्योर आप हमारे राइट टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे कनेक्टेड रहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि काफ़ी फेक ग्रुप्स मेरे नाम पर चल रहे हैं और आप वहाँ पर कनेक्टेड हैं, अपना नुकसान कराते हैं। पिछले 6 साल से हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, 8233 9841 3689 41। और अगर आप हमारे टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे सारे वीडियोस इस सेक्शन में जाकर के सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड नहीं है तो आप किसी भी वीडियो के अंदर जा सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये एरो का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी, हमारे जो मेन जैकपॉट मैचेस रिलेटेड वीडियो हैं सब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक कनेक्टेड है, आपको सिर्फ वहाँ पर जा करके क्लिक करना है और आप वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएंगे। अगर दिक्कत आती है यूट्यूब से आपको ऐड होने में तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट करके रखिए, 8233368941, इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और आप हमारे चैनल से हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।